नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। और इस समय हमें हैं अपने खेत पे और ये चल रही है आलू की खुदाई। और एक ट्रैक्टर देखो वो चल रहा है, सामने दूर दिखाई दे रहा होगा, और एक ट्रैक्टर ये चल रहा है। और अभी हम बात करेंगे अपने चाचा जी से और हमारे लेबर के ठेकेदार हैं जी, इनसे बात करेंगे। और ठेकेदार क्या हाल है? सब बढ़िया है। बढ़िया ठेकेदार, कितनी लेबर लाए इस साल? 100। और कैसा काम चल रहा है? बढ़िया बढ़िया दोस्तों जी, ठेकेदार हैं जी, लाते हैं लेबर हर साल। ये देखो आलू है जी, CPRI वाला है, 37-97 गोल एकदम। थोड़ा जल मिट्टी आ रही है अभी, एकदम चमकदार नहीं आ रहा आलू। ये देखो कितना बढ़िया आलू है, एकदम गोल। ये चल रहा काम बढ़िया। ये देखो भराई चल रही है इधर, देखो लाइन से एकदम। देखो बढ़िया जंग। जिन लोगों ने देखी नहीं हो आलू कैसे भराई भराई होती है वो देख लें। ये देखो मोटा भरा जा रहा है, ये किर रही है, ये गुल्ला है। और जी बढ़िया है जी दोस्तों, देखने पे कैसा चल रहा है काम? क्या नाम है तुम्हारा? देखो इधर, हे नाम बताओ। देखो जो चेक कर रहे हैं आलू, देवेंद्र कैसा काम चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, देखो कैसा चल रहा है। जी दोस्तों छटाई के मैनेजर हैं, छटाई की सभी ने की है जिम्मेदारी। और वो चचा लेटे हैं, देखो हमें वो लेटे सामने, हवा चल रही है बढ़िया। देखो चेकिंग हो रही है, कोई गड़बड़ नहीं भरते एकदम। बीज है ना गुल्ला, नया सीड है एकदम। ये देखो ये कट पीस, इधर काम एकदम साफ सुथरा बढ़िया। सब दोस्तों बाहर की लेबर है, ये टोटल छटाई वटाई वाले भी सब बाहर के ही हैं। और ये देखो ये बनाई चल रही है, बिना ये अभी दिखाऊंगा आप लोगों को ट्रैक्टर के पास, जो पुराना बीज है सब व्यवस्थित एकदम काम मिलेगा। बाहर की लेबर का ये फायदा है कि एक तो रुकते ही वो से यही है और अपने आराम से। चाचा जी हमारे जा रहे हैं, वो देखेंगे अब जाके के कैसा काम चल रहा है। एकदम बोरी बोरी चेक, वैसे देखने वाले काफ़ी लोग रहते हैं दोस्तों। और एक अब देखो ये ट्रैक्टर के पास आपको दिखाऊंगा, ये है चंबल वाला खुदरा है, जो ITC का जो पुराना वाला आता था उसकी अभी पैदावार दिखाऊंगा आप लोगों को कैसी निकल रही है। देखो सब बिनाई वाले लोग हैं, लेबर दोस्तों इतनी पर्याप्त है हमारे पास, कुछ पूछो मत। एक ट्रैक्टर उधर चल रहा है उस पर भी लेबर आराम से, उसमें यहाँ की लोकल की लेबर है कुछ और कुछ बाहर की है। यहाँ टोटल सब बाहर की लेबर ही है, 100 आदमी है लगभग, सब छटाई के भी और बिनाई वाले भी। देखो स्टोर बने हुए हैं, नहीं में आलू जाता है। देखो चाचा से बात करेंगे कि कैसा आलू निकल रहा है। बाकी दोस्तों एक चीज़ विशेष तौर से, हम अपनी खुद की हमारी ज़मीन है और खूब ज़मीन का हम ऐसे ख्याल रखते हैं एकदम तरीके से, DAP वगैरह सब कम, खाद जो पर्याप्त जो ज़रूरी है वो कभी भी अंधाधुंधी किसी चीज़ की नहीं करते हैं। यूरिया भी सिर्फ हम 2 बार लगाते हैं और DAP मात्र 30 किलो के बीघे से कभी ज़्यादा नहीं लगाई आज तक। ये चंबल ITC वाला है, मिट्टी आ रही है अभी, साफ आलू पूरी तरह नहीं आ रहा है। ये तो लंबा चाल का ITC वालों का, वही गया था वही वाला है। देखो कैसा निकल रहा है, कोई खास देखो आलू तो बहुत है।
मिट्टी तो आ ही रही है अभी। अब चाचा जी से पूछेंगे कितना आलू हमने खोद लिया अब तक, कितने परसेंट। दोस्तों मेरे साथ चाचा जी हैं हमारे। चाचा जी प्रणाम। और इन्हें आप पहले भी देख चुके हो और काफ़ी अनुभव है इनको। इनकी उम्र लगभग कितने साल की आपकी उम्र हो गई? 62 के लगते नहीं है पर 62 साल की दोस्तों इनकी उम्र है। और जी हमारे मैनेजर हैं जो खुदाई का काम पूरा देखते हैं। आओ मंगल सिंह, इधर आओ। अरे आओ यार, काम कर लेना, आओ जल्दी। ये दोस्तों हमारे मैनेजर साहब हैं, इनका नाम मंगल सिंह है। और मंगल सिंह क्या हाल है? बढ़िया। कैसा काम चल रहा है? बढ़िया चल रहा है वो। बढ़िया चकाचक एकदम। अच्छा चलो, तो आप अपना काम देखो और बाकी चाचा जी से मैं बात करूंगा। दोस्तों पहले मशीन के पीछे मैं आपको आलू दिखा दूं। और ये कैसा निकल रहा है आलू, देखो ये ITC वालों का है, चंबल वाला, जो पुराना बीज है दोस्तों ये। और आप देखो पैदावार बढ़िया निकल रही है एकदम। और चाचा जी से बात करेंगे कि लास्ट ईयर से और आज इस साल में क्या अंतर आ रहा है पैदावार में। मैंने कि लाओ आज अपने ही खेतों का वीडियो बना के डालूं, दोस्तों कहीं इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग भी काफ़ी आलू लगाते हैं और हमारे जो फसल है ओवरऑल सब तरह के बीज बोते हैं, सब काम करते हैं, उससे आंकलन लग जाएगा दोस्तों कि आलू कैसा निकल रहा है। और चाचा जी हमारे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, जीवन हो गया उनका आलू में ही, जो समझिए शुरुआत ही हमने अपने आलू की करी थी और बहुत साल से आलू हम करते आ रहे हैं। टोटल आलू ही करते हैं, उसके अलावा मुझे समझो गेहूँ भी खुद खरीद के खाते हैं। ये है स्थिति। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, गेहूँ तो बोने चाहिए पर दोस्तों क्या करें, आलू ही आलू में लगे हुए हैं। तो चाचा जी आ जाओ, छाया में आ जाओ, ठीक है। छाया में आपसे मैं थोड़ा आलू के भविष्य के ऊपर आज मुझे चर्चा करनी है, बहुत ज़रूरी। और दोस्तों लेबर के ठेकेदार से मैंने आपको मिलवाया, वो देखो ये लेबर है हमारी, बढ़िया एकदम ये काम कर रही है। ये ऐसा काम चलता है सब, पीछे ये कोल्ड स्टोर, इन्हीं में आलू जाता है और वहाँ पे छटाई चल रही है। और चलो आ जाओ। तो चाचा जी नमस्कार, दोबारा से नमस्ते। मैं एक बार तो मुझे ये बताओ कि कैसा आलू निकल रहा है? वो तो CPRI वाला है। CPRI वाला ही अच्छा निकल रहा है, जो पुराना है पिछले साल वाला अपना, जो जैसे ITC वाले हैं और जो 37-97 सादा है, उनका क्या हाल चाल है? उनमें ज़्यादा अच्छा लगे। उनमें कितने कट्टे का एवरेज कम आ रहा है बीघे में? उनमें किसी में 7 है, किसी में 8 है, किसी में 5 है। अच्छा अच्छा अच्छा, अलग अलग है, अलग अलग आंकलन है सबका। अच्छा तो हम लोग तो वैसे भी दोस्तों हम बहुत प्रॉपर डोज वगैरह सब एकदम बढ़िया लगाते हैं खेतों में। तब भी उनमें डोज सब में एक सी लगाई हमने, लेकिन क्या पुराने में जो है उसमें पैदावार सही नहीं आई, बाकी जो नई सीड है उनमें ठीक है। ऐसा मैं आ नहीं पाया अभी, इधर मैं उधर था तब तक CPRI वाला सुबह से खुद रहा था, मैं देख नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, फिर अब के दूसरे खेत में खुदेगा तब मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर और दिखा दूंगा। छटाई दिखाया है मैं, छटाई बहुत अच्छी चल रही है अपनी। और दोस्तों ये देखो काम चल रहा है बढ़िया, ये भी ITC वाला ठीक निकल रहा है। इसमें आप कितना आंक रहे हैं कम लास्ट ईयर से? वही 5-7 के बीच में कम जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 5-7 के हो सकता है, बराबर भी निकला है। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल के बराबर हो जाए, है ना? कुछ कमी रहेगा, बराबर हो सकता है या कम रह सकता है, ज़्यादा नहीं। क्या कारण क्या रहा इस साल? तो ठंड पड़ी बीच में, जाड़े का असर, मान लो पौधे की जान सी तो निकली गई थी, फिर हल्का फुल्का ब्लाइट का भी असर हुआ, चाहे पूरा ट्रीटमेंट कर रखा हो लेकिन फिर भी। तो चाचा जी मैं आपसे अभी पूरा बढ़िया आलू के एक विस्तार की चर्चा करूँगा। चलो छाया में खड़े होंगे जी, ठीक है। तो चाचा जी एक चीज़ सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल, पहले अब बैठ गए हम चैन से, अब चैन से बात करेंगे कि जी बताओ कि जो इस समय मंडियों ओवरलोड हो रही हैं, जैसे बम्बई में आज 51,000 कट्टा है, कोई भी मंडी साउथ से लेके कहीं की ऐसी नहीं है जिसमें यूपी का आलू आगरा का हो, चाहे सिरसागंज का हो, चाहे संभल का हो, कहीं का आलू नहीं पहुंचा हो। तो क्या कारण उसका क्या है? किसानों में घबराहट है। अच्छा, ऐसी कुछ र्यूमर चल रही है ना कि प्रोडक्शन हैवी प्रोडक्शन है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरा पैसे की ज़रूरत है, कोल्ड वालों को भी पता है कि इस समय किसान को पैसे की ज़रूरत है, वो दे नहीं रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा है। हाँ। तो सोच के पैसे ज़्यादा फंसाना नहीं चाह रहे क्योंकि पहले से ही उनकी हालतें ख़राब हो चुकी है, किसानों पे व्यापारियों पे बहुत पैसा रुक गया है, तो वो नहीं रिस्क उठाना चाह रहे, बिना पैसे के ही आ रहा है। तो किसान को खुदाई के लिए पैसे चाहिए, तो फसल उसकी तैयार है, तो वो भी नहीं रिस्क उठाना चाह रहा, सीधा मंडी भेजो, पैसे लाओ, आलू काम करो। सही बात है। तो इससे ये जे समझ लीजिए कि जो आलू कोल्ड स्टोर में आने वाला होगा वो आलू मंडी जा रहा है। मंडी जा रहा है इस समय, मंडी जा रहा है, मंडी जा रहा है। और बंगाल का रूमर उड़ गया कि बंगाल में बम्पर प्रोडक्शन है, तो बंगाल के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अभी ऐसा कुछ नहीं है कि बम्पर प्रोडक्शन हो, उनने बंगाल में जो पुराना सीड लगाया है उसमें कई लोगों से बात हुई है, बंगाल के लोगों से, तो जो
जो उनने पुराना सीड लगाया है उसमें पैदावार अच्छी नहीं आ रही है। अच्छा, जो पंजाब से नया लिया है उसमें तो पैदावार ठीक है, लेकिन हर आदमी नया बीज कच्चे में भी बहुत लोगों ने पुराना सीड बोया था उसमें पैदावार बढ़िया नहीं आ रही है। पक्के की भी जो जहाँ जहाँ खुदाई कहीं कहीं दिखी है वहाँ भी प्रोडक्शन का कम बता रहे हैं, कुछ जो अभी लेट वाले खेत है उनमें लेट ब्लाइट आ चुकी है। डॉक्टर साहब आए थे बर्धमान के, उनके एरिया में बहुत आलू होता है, तो उन्होंने यहाँ से ही फोन किए थे अपने मिलने वालों को, तो वो यही लोग बता रहे थे वो भी प्रोडक्शन पुराना जो सीड है उसमें कम आएगा। अच्छा 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 अच्छा, नया सीड है उसमें एवरेज प्रोडक्शन रहेगा। अच्छा, तो लास्ट ईयर से बंगाल में जो है कि कोई ये नहीं कह सकते कि बम्पर है, ये नहीं कह सकते कि बम्पर है। अच्छा अच्छा, और चाचा जी क्या लग रहा है आलू के भविष्य में क्या होने वाला है आलू का? भविष्य इतना कोई खराब तो है नहीं आलू का, आदमी घबराहट एक बनी हुई है सामान्य, पर लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आलू का भविष्य कोई खराब है। ठीक मिल जाए पैसे, आदमी थोड़ा इंतजार करेगा, अभी तो थोड़ी जल्दी है, हड़बड़ा आटम है आदमी, और अभी 8 महीने पड़े हैं, क्यों घबराना चाहिए? टाइम है आलू का, कहीं कुछ भी हो सकता है, कहीं नेचुरल कैलेमिटी आ जाए तो फिर आलू की खपत बढ़ने में कोई टाइम थोड़ी लगता है। और हर साल 3-4% अपने देश में भी खपत आलू की बढ़ती है ना, वैसे ही बढ़ जाती 3-4% खपत। तो अपने यहाँ के स्टोरों के बारे में बताओ, क्या आंकलन लग रहा है? फुल हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, फुल हो जाए अगर तो बहुत बड़ी बात होगी, वैसे स्थिति जो है होली आसपास क्लियर हो पाएगी। हाँ, अभी से सब कुछ भी कहना जल्दबाजी। हाँ, अभी तो अब जो अच्छे कोल्ड स्टोर है जैसे हमारे यहाँ जो कोल्ड स्टोर है ये तो फुल होगा। सही बात है, ये तो फुल होगा, इनकी इमेज बढ़िया है, लेकिन कहीं ऐसे हैं कोल्ड जिनकी की इमेज खराब है, तो वहाँ से आदमी थोड़ा बच के अच्छी जो कोल्ड स्टोर है उनमें रखेगा। सही बात है, पर ये नहीं है कि साहब कोल्ड के बाहर आलू रह जाएगा, ऐसा नहीं है, सब रूमर फालतू का था। और फिर आपको 60-62 साल की उम्र हो गई, आपकी आलू जीवन हो गया करते करते। हर साल इस समय ये टाइम जब आता है ना यही हाल होता है। अच्छा, कभी जो 1-2 साल की बात छोड़ो कि साहब 2000 रुपये बिका था, उस साल पहले से प्रोडक्शन बहुत कम था सब, लेकिन मैं तो जिंदगी में यही देखा है कि जब खुदाई शुरू होती है तो यही आंकलन होता है, अरे आलू बहुत निकल रहा है। सही बात है, ऐसी चलती रहेगी हमेशा। बम्पर ये तो उड़ाया जाता है, ये तो ये तो लोग भाई जिनको व्यापारियों को और जिनको किसानों पैसे सस्ता आलू खरीदना है तो वो क्या कह सकते हैं, यही तो कह सकते हैं कि बम्पर पैदावार आ रही है। अब बम्पर तो तब पता चलेगी जब होली आ जाएगी, इस साल होली पे क्लियर हो जाएगा मामला कि हो रहा क्या है। सही है ना, अब कभी कुदरत की कुछ नहीं पता, अभी अभी आगे जाके हरी सब्जी में बहुत तेजी आ जाए, आदमी का विकल्प क्या रहता है सिवाय आलू खाने के अलावा। सही बात है, कुछ पता नहीं। आलू की चौतरफा खपत है, खपत है हर चीज में, खपत है। सही बात है, मेरी राय तो यही है कि कोई घबराहट न रखें, आराम से अपना खोदें, रखें कोल्ड में स्टोर करें, जब समय का इंतजार करें, जब पैसे सही मिले तब बेचें। सही बात है, और ज़्यादा लालच भी नहीं करें, ज़्यादा लालच भी नहीं करें कि सब ये सोचे कि हमेशा बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। वो तो हर तरह से तैयार रहना चाहिए आलू वाले किसान, तैयार है, अगर एक एवरेज रेट मिल जाए तो थोड़ा बहुत मुनाफा मिल जाए बहुत बढ़िया है। सही है, ज़्यादा लालच तो फिर बाद में दिक्कत रहती है। तो दोस्तों ये थे विचार हमारे चाचा जी के, और जिन लोग जो लोग नहीं सहमत हैं इनके विचारों से वो लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बाकी ये है कि सारा आदमी अपना अपना आकलन लगाता है और हर आदमी के अपने अपने विचार रहते हैं और उन्हें व्यक्त करने की सबको आज़ादी है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। ठीक है चाचा जी, नमस्ते।